मृत्यु का जन्म व्यक्ति के देह के साथ ही जन्म ले लेते हैं। जैसे जन्म व्यक्ति लेता है वैसे मृत्यु का भी जन्म उसी दिन उसी के साथ। इसलिए मरना भी अटल सत्य है और भगवान भी अटल सत्य है। इसलिए मैं कहता हूँ संसार में आए हैं खूब उच्चतम शिक्षा ग्रहण कीजिए, पढ़िए। विद्यार्थी नाम विद्याध्ययनम तपः। अध्ययन के समय में विद्या से अध्ययन से किसी प्रकार का कोई प्रमाद मत कीजिए। मन लगा करके पढ़िए, स्टडी कीजिए, वही आपका तप है, वही आपकी साधना है। परम तपः। गृहस्थ आश्रम में रहिए, उसका भी सम्यक आप निर्वाह कीजिए, पालन कीजिए, वो भी लौकिक धर्म है। लेकिन ये सब करते हुए जो परम धर्म है, परम धर्म क्या है? शिव ही परम धर्म है, राम ही परम धर्म है, कृष्ण ही परम, भगवान ही परम धर्म है। इसलिए उस भगवान को भजिए। सतम विहाय भक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरे लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजे। कहते सतम विहाय भोक्तव्यम, सौ कार्य छोड़ करके भोजन करना चाहिए। इन्हीं भोजन सामने आ गया, मोबाइल में लगे हुए, सौ काम छोड़कर भोजन आ गया। अन्नपूर्णा का अपमान है कि भोजन को आप छोड़ रहे हो, कुछ और काम करने भोजन करो। कहते सहस्रम स्नान माचरे, हजारों काम छोड़कर धंधे पहले स्नान कर लेना चाहिए। यानी कि 12 बजे तक स्नान करो, पता चले 4 बजे तक स्नान ही नहीं किया, समय से स्नान। और लक्षम दिया दातव्यम, लाखों काम छोड़ करके दान करना चाहिए। और कहते कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजेत, करोड़ों काम छोड़ करके, यूं कहे सब कुछ छोड़ करके हरिं भजेत, भगवान को भजना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। भाई बाप, ये जो ईंट पत्थर का जो मकान देख रही हो, जो खेत बधार, ये जो संसार देख रहे हो ना, ये बिल्कुल नश्वर है। आज आपका है, कल आपके बच्चा का होगा, परसों किसका होगा, ये कोई नहीं जान रहा है। वास्तव में ये आपका वास्तविक शाश्वत घर नहीं है। ये आपके लिए संसार क्या है? मेला के समान है। वास्तविक घर तो उस परमात्मा के पास, उस भगवान के पास है, जहाँ पुनरान निवर्तन्ते तत् धाम परम मम, जहाँ जाने के बाद फिर कभी वापिस न आना पड़े, वो शाश्वत घर है। जहाँ न सुख है न दुख है, अभी तो वहाँ परमानंद है। वहाँ कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हिंसा ईर्ष्या कुछ नहीं है, केवल भगवान का दर्शन और आनंद की अनुभूति है, वो शाश्वत घर है।